तो क्या आपको पता है दुनिया के 80% देश में चाइना का सामान बिकता है, और हमारे देश में आजकल बॉयकॉट चल रहा है चाइना के प्रोडक्ट का। तो क्या आपको पता है कि ये चाइना का जो भी सामान होता है, मोबाइल फ़ोन या कोई भी प्रोडक्ट होता है, वो इतना सस्ता क्यों होता है? तो इसी के बारे में हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, अगर कोई कंपनी खोलता है हमारे देश में, अगर कोई कंपनी खोलता है तो खुद से खोलेगा या फिर सरकार से लोन लेगा या फिर कुछ होगा, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। पर चाइना में कोई कंपनी खुला और उसका प्रोडक्ट जो है दूसरे देश में अगर जो बेचने का प्लान है या फिर बेच रहा है, तो उसको जो है चाइना का गवर्नमेंट सपोर्ट करता है और उसे पैसा देता है कि आप दूसरे किसी देश में बेचिए, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। कि गवर्नमेंट उस कंपनी को पैसा देती है, इसीलिए वहाँ का जो सामान होता है काफ़ी ज़्यादा सस्ता में मिलता है। दोस्तों, चाइना बहुत ही एक चालाक मुल्क है। वो अपना सामान दूसरे देश में बेचता है, लेकिन दूसरे देश का कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान या फिर कोई भी एप्स, वेबसाइट, ये सब अपने देश में यूज नहीं करता है, बल्कि वो उसका कॉपी करके अपने देश में बना लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं यूट्यूब लगभग सभी देश में चलता है, तो चाइना में यूट्यूब के जगह पर यूकू चलता है और अमेजोन के जगह अलीबाबा, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो चाइना क्या करता है कि दूसरे विदेशी कंपनी को अपने देश में आने नहीं देता है, और वो अपने देश के कंपनी या फिर चीज़ को दूसरे देश में भेजता है। तो अगला वीडियो हमारे चाइना पर होगा। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि पबजी वर्सेस फ्री फायर, या फिर पबजी के बारे में जानना चाहते हैं कि किस देश के गेम है, या फिर फ्री फायर किस देश का गेम है, तो आप कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो बताऊँगा।